ये है आपके चैप्टर 6, ओलिवर फाइंड्स हैप्पीनेस, उसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पॉइंट दिया गया ए लार्ज फ्लैट बॉक्स फेस्ड आउट ऑफ हिज कैरिज। तो जो डॉक्टर था वो एक अपने साथ एक फ्लैट बॉक्स लेके आया था, तो फेस्ट मतलब होता लाना, तो वो अपने साथ एक बॉक्स लेके आया था जिसमें उसका डॉक्टरी वाला सामान था। तो इस पहले फिलअप में क्या आएगा, FET CHED, यानी फेस्ट। ठीक, सेकेंड वाला है ऑन द बेड हिज बाउंडेड आर्म्स। तो ऑन द बेड यानी जो बेड था जिस पर जो ओलिवर लेटा हुआ था, तो अपनी किसके बल लेटा हुआ था, यानी बाउंडेड जो उसका घायल जो जो बाजू थी वो कैसी थी, वो लेटी हुई थी, यानी लेटने पर रखी हुई थी, ले। तो यहाँ पे ले आएगा, ऑन द बेड हिज बाउंडेड आर्म ले। ठीक है, LAY, ये है ले, ले के स्पेलिंग। नंबर 3 है विद ए जेंटल हैंड मिस रोज ब्रश्ड हिज हेयर फ्रॉम हिज फोरहेड। तो जो मिस रोज थी उन्होंने क्या किया, जो बॉय लेटा हुआ था उसके सर पे बड़े ही प्यार से हाथ फेराया। तो यहाँ पे ब्रश आएगा BRUSHED। ठीक, उसके सर पे बहुत प्यार से हाथ फेरा जबकि वो बच्चा था वो सो रहा था। द टू लेडीज़ वर श्योर दैट ओलिवर वॉज इनोसेंट। जो दो लेडीज़ें थी वो ये जानती थी इस बात से, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी श्योरिटी थी उन्हें इस बात की कि वो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, यानी मासूम है। ठीक, तो इसमें इनोसेंट आएगा 4 वाले में। नंबर है 5, द लेडीज़ वेप्ट एज दे हियर द हिज मिजरेबल लाइफ। जब उन्होंने जो लेडीज़ें थी उन्होंने जब ओलिवर की दुख भरी कहानी सुनी तो वो रोने लगी। तो इसका मतलब ये था मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल लाइफ मतलब था दुख दुख भरी कहानी। ठीक, 6 नंबर है एवरी नाइट ओलिवर स्लेप्ट पीसफुली इन हिज ओन रूम। और लास्ट में एंड में क्या होता है कि जब वो उनके साथ रहने लगता है मिस मैली और रोज़ के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और हर रात कैसे सोता है बिल्कुल पीसफुली शांतिपूर्वक अपने रूम में सो जाता है। ठीक, तो ये है 6 वाला, तो इसमें आएगा पीसफुली। ठीक, हु सेड टू हूम, तो इसमें पहले वाले में विल यू शो मी द वे टू द वे, तो क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे, ये किसने कहा था, डॉक्टर ने गिल से कहा था जब वो स्टार्टिंग में आया था। ठीक, सेकेंड वाला पॉइंट है दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब होता है कि आश्चर्य, असाधारण बात। ठीक है, असाधारण, तो ये बहुत ही असाधारण चीज़ है। तो ये किसने बोला था, ये डॉक्टर ने मिस मैली से बोला था। क्यों, क्योंकि जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इतना छोटा बच्चा जो चोरी करने के लिए किसी के घर में यानी आया हो, ये एक असाधारण चीज़ थी। ठीक, तो नंबर 3 है द पुअर चाइल्ड इज़ नो थीफ। तो ये किसने कहा था, रोज़ ने कहा था मिस मैली से। तो रोज़ ने क्यों कहा था, क्योंकि जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा मासूम था। दिस पुअर चाइल्ड इज़ नो थीफ, यानी जो ये गरीब बच्चा जो है वो चोर नहीं है। ये किसने कहा था, मिस रोज ने कहा था मिस मैली से। ठीक, दे विल डू एज आई टेल देम। अच्छा, जब उन्होंने ना डॉक्टर ने सुझाव दिया था आप अपने घर के नौकरों को सावधान कर दीजिए या फिर बता दीजिए कि उस बच्चे को जेल में ना डालें, जेल में डालने के लिए पुलिस को ना सौंपे, तो जिस मिस मैली थी उन्होंने कहा कि जैसा मैं अपने नौकरों से कहूँगी वैसा ही मेरे नौकर जो हैं जो सर्वेंट हैं वही करेंगे। सो दे विल डू एज आई टेल देम, यानी जैसा मैं उनसे कहूँगी वैसा ही वो करेंगे। तो मिस मैली ने किससे कहा था, ये डॉक्टर से कहा था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो जो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द पर्सन अबाउट हुम आल करेक्टर्स इन द स्टोरी आर टॉकिंग अबाउट, यानी इसमें जो करेक्टर्स जिसके बारे में सभी करेक्टर्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा पर्सन था और हु वॉज ही, वह कौन था। तो जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं वह था ओलिवर ट्विस्ट। तो और जो ओलिवर ट्विस्ट वॉज द पर्सन ऑल द करेक्टर्स इन द स्टोरी वर टॉकिंग अबाउट, यानी इसमें जो भी करेक्टर्स दिए गए हैं वो सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ओलिवर ट्विस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ही वॉज ए पुअर पुअर पेल, पेल मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर। ठीक है, तो वह जो बच्चा था वो बहुत ही पतला कमज़ोर कमज़ोर था, और किसके द्वारा, जो चोर थे उनके द्वारा, यानी स्टील इन टू द हाउस, इन टू ए हाउस यानी चोरी करने के लिए घर में चोरों ने उसे यूज़ किया था। ठीक, इस वाले का आंसर ये हो गया फर्स्ट वाले का। वाई वर द लेडीज़ एस्टोनिश, एस्टोनिश मीन्स होता है आश्चर्य, वैन दे सा द पेशेंट।
तो लेडीजें थी वो क्यों आश्चर्यजनक आश्चर्य में पड़ गई थी कि जब उन्होंने इस पेशेंट को देखा। वो पेशेंट कौन था? वो पेशेंट एक बच्चा था, वो बहुत ही ज़्यादा मासूम था, इसलिए वह लेडीज़ें बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई थी। द लेडीज़ वर एस्टोनिश वेन दे सा द पेशेंट, क्योंकि बिकॉज दैट पेशेंट वॉज ए चाइल्ड हु वॉज सो यंग एंड इनसेंट। जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और बहुत ही मासूम था, इसलिए वह जो लेडीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई थी। वाई डिड डॉक्टर लोसबर्न एंड मिस मेली वॉन्ट टू सेव द चाइल्ड ऑल दो दे न्यू ही वॉज ए थीफ। तो मिस्टर जो डॉक्टर लोसबर्न हैं और मिस मैली हैं, वो क्यों बचाना चाहती थी जबकि वो जानती थी वो जो बच्चा है वो चोर है। तो इसका आंसर ये होगा, डॉक्टर लोसबर्न ने एंड मिस मैली न्यू दैट द चाइल्ड वॉज ए थीफ, येट यानी फिर भी दे वॉन्टेड टू सेव हिम, वे उसे बचाना चाहती बिकॉज द चाइल्ड वॉज सो यंग, क्योंकि वो बहुत छोटा था और मासूम था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। और उनका जो मन था वो यह कह रहा था कि बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, यानी कि बहुत उसने ये चोरी नहीं की। ठीक, तो हाउ डिड ओलिवर फाइंड्स हैप्पीनेस, तो ये आपके लिए चैप्टर के बिल्कुल एंड में बताया जाता है कि इसको हैप्पीनेस कब मिलती है, कैसे मिलती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, तो ओलिवर फाउंड हैप्पीनेस बाय द लव एंड केयर ऑफ मिस मैली रोज एंड डॉक्टर लोसबर्न ने, यानी उसे सबका प्यार मिलता है और केयर मिलती है। और जब वह स्प्रिंग यानी जब बसंत की शुरुआत होती है, वैन एंड द इन इन द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग ओलिवर वेंट टू मैलीज हाउस, जब वह स्प्रिंग के शुरुआत में मैली के घर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे फुल ऑफ ट्री फ्रूट्स के यानी जो पेड़ों से लदे हुए सॉरी फलों से लदे हुए पेड़ देखता है और बहुत सुंदर सा गार्डन देखता है फूलों से भरा, जो उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, अच्छा लगता है। तो ओलिवर ने कभी ऐसा इतनी शांति पूर्वक और इतनी खुशी वाली चीज़ें कभी नहीं देखी थी। तो वहाँ उसे क्या मिलती? वहाँ उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप आपको चैप्टर और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज दोनों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो मुझे कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियोस को, और आपको जो भी सुझाव देना है नीचे कमेंट में कर देना। ठीक, थैंक यू।